Class learning with Lisa. We are here with our topic of 10th class English, the sermon at Benares. The sermon at Benares जो है हमारे chapter का name है. पहले हम देखते हैं कि sermon क्या चीज होती है. Sermon एक तरह की religious talk होती है जो लोग deliver करते हैं काफी सारे people को like saint. Then हम बात करते हैं कि बनारस इसमें name क्यों लिया गया है कि इस बारे इसमें जो main chapter में बात होगी वो होगी Lord Buddha के बारे में कि Lord Buddha का name जो वो Buddha था exactly कैसे हुआ and कैसे उन्होंने enlightenment लिया within 7 days and बनारस यहाँ पर नाम क्यों लिया गया है कहाँ उन्होंने अपना first sermon दिया इस बारे में हम बात करेंगे. So let's start the chapter. सर्मन एट बनारस. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गौतम बुद्धा है जो गौतम सिद्धार्थ गौतम जो उनका रियल नेम था उनका जो बर्थ हुआ था 563 BC में एंड उनकी डेथ हुई थी 483 BC में. तो उन्होंने जब उनका बर्थ हुआ वो एक बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली में थे जो उनके फादर थे वो राजा थे वहाँ पर. तो उन्होंने एज अ प्रिंस बर्थ लिया था तो जो पूरी जो भी रॉयल बेनिफिट्स थे वो सभी उन्हें मिलते थे. बिल्कुल वो रॉयल तरीके से ही रहते थे एज अ प्रिंस एज राजा जो उनकी फैमिली थी बिल्कुल वैसे ही वो रहते थे. एंड एट द एज ऑफ 12 ईयर्स जब वो 12 साल के थे तब उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया और वहाँ पर भी उन्हें रिलीजियस बुक्स ही पढ़ाई जाती थी रिलीजियस टॉक्स ही उन्हें सिखाए जाते थे. एंड आफ्टर 4 ईयर्स जब वो वापस आए तब उनकी शादी करवा दी गई एक प्रिंसेस से. देन उनका एक बेटा हुआ और एक बार क्या हुआ वो जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक सिक पीपल देखा. उससे पहले उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि सिकनेस क्या चीज़ होती है डेथ क्या चीज़ होती है कोई चीज़ अगर कोई दुखी होता है कुछ उन्हें दुख के बारे में सोरो के बारे में ग्रीफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो जब वो अपने हंटिंग के लिए गए किसी जंगल में तो वहाँ पर उन्होंने एक सिक पीपल को देखा एक ओल्ड पीपल को देखा और वहीं उन्हें पता चला कि डेथ भी होती है. तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो गए कि मुझे तो अब तक इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि वो जहाँ पर रॉयल जगह पर रहते थे वहाँ पर कोई भी सोरो अलाउड नहीं था उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रखा गया था बहुत खुश रखा गया था उन्हें. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट कर गई कि कोई जो वहाँ के लोग हैं जो उनकी जो वहाँ की जो प्रजा है वहाँ पर ऐसे दुख भी होते हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पर ये जाकर सच्चाई का पता लगाऊं कि एग्जैक्टली ट्रुथ क्या चीज़ होती है क्यों ना एनलाइटमेंट को पाया जाए. एनलाइटमेंट को हम कहते हैं मोक्ष हिंदी में. तो वो काफ़ी टाइम तक भटकते रहे 7 ईयर्स तक वो भटके और काफ़ी गुरुओं के पास भी वो गए सेंट के पास गए वो. एंड लास्ट में एक पीपल के ट्री के नीचे वहाँ पर उन्होंने 7 डेज में एनलाइटमेंट प्राप्त किया मींस उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया 7 डेज में. एंड जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ को उस ट्री को नेम दिया गया बोध ट्री जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम. तो वहाँ पर उसी ट्री के नीचे बैठकर वो रिलीजियस टॉक्स करते थे एंड काफ़ी लोग उनके पास आते थे अपना सॉल्यूशन लेने के लिए वो उन लोगों को उनका सॉल्यूशन बताते थे. तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट सामान दिया जो फर्स्ट अपनी रिलीजियस टॉक थी वो बनारस में दी थी. तो इसीलिए इस चैप्टर का नेम जो है वो है द सामान एट बनारस. देन क्या होता है कि जैसे वो काफ़ी सारे पीपल आते थे लोग आते थे उनके पास अपने सॉल्यूशन लेने के लिए वो उन्हें बताते भी थे उन्हें बिल्कुल सही एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन था वो बताते थे. देन एक लेडी की बात यहाँ पर कही गई है इस लेसन में जिसका नेम है कीसा गौतमी. वो उनके पास आती है उनका क्या होता है एक जो उनका बेबी होता है उनका लड़का होता है उसकी डेथ हो जाती है वेरी यंग एज में. वो काफ़ी ज़्यादा घर में जाती है सबको कहती है कि किसी के पास अगर कोई भी दवाई है तो प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए. हर घर में वो जाती हैं और लोग ये सोचते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेंटली स्ट्रेस हो गई है क्योंकि इनका जो बेटा है बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो गई है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले गई है इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही है. वो लोग उन्हें पागल समझते थे. देन किसी ने उसे एडवाइस दी कि क्यों ना तुम बुद्धा के पास जाओ लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ वो तुम्हें ज़रूर इसका सॉल्यूशन देंगे ज़रूर इसे ठीक कर देंगे. तो उन्होंने वैसे ही किया वो गई उनके पास उन्हें कहती हैं रिक्वेस्ट की उन्होंने बहुत कि प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए कोई ऐसी दवाई दीजिए कुछ भी मेरे बेटे को बस ठीक कर दीजिए. देन वो उसे कहते हैं लॉर्ड बुद्धा उन्हें कहते हैं कि ठीक है मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा लेकिन आपको कुछ काम करना होगा. वो बोलते हैं ठीक है बताइए क्या करना होगा.
वो बोलते हैं कि आप किसी के घर जाइए, वहाँ से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेकर आइए। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, इतना सा काम अगर मेरा बेटा ठीक होता है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं ले आती हूँ। देन लॉर्ड बुद्धा पोनी बोलते हैं लॉर्ड बुद्धा कि लेकर आइए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, लेकिन उस घर से लेकर आना जहाँ पर कोई भी सोरो ना हो, किसी की डेथ ना हुई हो, कोई ग्रीफ में ना हो, उस घर से लेकर आना। वो बोलती हैं ठीक है। वो चली जाती हैं, हर एक घर को नॉक करती हैं, उनको कहती हैं कि प्लीज़ मुझे एक हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड दे दीजिए। तो वो उन्हें दे देते हैं मस्टर्ड सीड, लेकिन वो बाद में पूछती हैं कि क्या आपके घर में कोई सोरो तो नहीं है, कोई ग्रीफ तो नहीं है, या किसी की डेथ तो नहीं हुई है। तो उन्हें बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर में कोई कहता है कि हमारे घर में ये दुख है, कोई कहता है कि हमारे घर में अभी इन्हीं की डेथ हुई थी। तो उन्हें ऐसे काफ़ी सारे घर में जाती हैं, हर घर से उन्हें यही सुनने को मिलता है मस्टर्ड सीड तो हर कोई दे देता है उन्हें हैंडफुल ऑफ। देन हर कोई बाद में यही कहता है कि नहीं, हमारे घर में ये दुख है या हमारे घर में इनकी डेथ हुई है। तो कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिलता जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो या कोई भी ग्रीफ में ना हो। तो ये ऐसे कहती हैं, सोचती हैं कि भाई ऐसे तो मुझे कोई घर भी नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं। तो वो बाद में अपने आप ही रियलाइज़ करती हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो भी कोई सोरो में ना हो। शायद मैं ही ज़्यादा सेल्फिश हो रही थी खुद के लिए कि मेरा बेटा फिर से ज़िंदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो कीसा गौतमी को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपने ग्रीफ में अपनी रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, वो कितना ज़्यादा दुखी हो रही थी, अपनी सेल्फिशनेस में कितना ग्रीफ कर रही थी। वो हर एक घर में जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने मस्टर्ड ऑफ सीड, तो मस्टर्ड के जो सीड से वो तो सबने उन्हें दे दिए फुल ऑफ हैंड, लेकिन जब वो सीड लेने के बाद सबसे पूछती थी कि क्या आपके घर में कोई डेथ तो नहीं हुई है या कोई दुख तो नहीं है, तो सब लोग मना कर देते कि नहीं, कहीं ना कहीं, बल्कि जितने लोग थे उनसे ज़्यादा उनके घर में डेथ्स हो चुकी थी, काफ़ी घर ऐसे भी थे। तो वो ये कहते थे कि प्लीज़ आप हमारे दुख को फिर से मत उभारिए। तो वो रियलाइजेशन जो था वो गौतम बुद्धा को करवाना बहुत ज़रूरी था कीसा गौतमी को। वो चाहते तो वो उन्हें डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन जब तक वो खुद रियलाइज़ नहीं करती कीसा गौतमी, शायद वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ना करती। तो यही इस लेसन में बताया गया है, इस चैप्टर में, कि हमें दुख से उभरना चाहिए। उसे सोरो में रहकर हम नहीं जी सकते, हम अपनी लाइफ को ख़राब कर देते हैं उसे दुख में रहकर कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम मोर्टल होकर भी इमोर्टैलिटी को बरकरार रख सकते हैं, कैसे, ग्रीफ से बाहर आकर रियलिटी को एक्सेप्ट करकर। तो यही था इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा कि डेथ जो होती है वो होनी ही होनी होती है, जैसे जो समन दिया अपना गौतम बुद्ध ने किसे, कीसा गौतमी को और बहुत सारे लोगों को। सो यहां पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद लीजा।